शाजापुर जिले के मक्सी में देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। दरअसल एक पक्ष की ओर से बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान मारपीट का आरोप लगाकर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सोमवार रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी हो गई। दोनों ओर से हुए पथराव और फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि 6 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल भी घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मक्सी में पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में कांग्रेस ने भी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। विवाद हुआ है और उसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। कारण क्या था सर विवाद? ये कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपस में इनका पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था, उसको लेकर कुछ घायलों की स्थिति क्या है सर? घायलों को हमने रेफर कराया है शाजापुर और शाजापुर से इंदौर के लिए रेफर हुए। फोर्स बाहर से बाहर से भी फोर्स आ रहा है।